आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मैं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बलिया से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां के अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ महिलाएं यहां लगातार 40 दिन से धरना कर रही हैं। इसमें महिला उनकी दो बेटियां हैं, भाई जानते हैं प्रकरण क्या है। हाँ, आप बताएं क्या आपका नाम है और क्या आपकी मांग है? मेरा नाम सीता रानी है। हम लोग अपनी जमीन पर कब्जा लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि मुख्य न्यायाधीश जी से हमारी जमीन पर कब्जा यही है और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो हमें हमारी जमीन मिल जाए तो आप लोग हमारी मदद करिए। आपकी जमीन को किसने कब्जा किया है? हमारी जमीन को दो तरफ से कब्जा हुआ है, जिसमें एक साइड से दूसरे साइड से अशोक कुमार मधुर है, दोनों ने मिलकर हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है। इसके लिए हमने जगह जगह प्रार्थना पत्र दिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाई। ये रहा पहला प्रकरण, जमीन अवैध ढंग से कब्जा किया गया है और ये सिर्फ इतना चाहते हैं जमीन की छूटे, क्या ऐसा होगा? ये है विचारणी गया, स्टे किया गया, जबकि एसडीएम द्वारा ये बताया गया कि हाई कोर्ट से कोई आदेश है, तहसीलदार द्वारा बताया गया। ये बताइए क्या हाई कोर्ट के किसी आदेश बारे में आपको पता है? नहीं, हमें किसी आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं। और ये बताइए कि क्या 2 महीना पहले एसडीएम साहब जाके मौके पर स्टे कर दिए थे? हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इस प्रकार से ये पक्ष इनकार कर रहा है और इनका कहना है कि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, इन्हें स्टे कोई जानकारी नहीं है। दूसरा सवाल ये आता है, तहसील प्रशासन द्वारा बताया गया इनके हिस्से की जमीनें कम है और इन्होंने बेचा ज्यादा है, क्या यह आरोप सच है? हाँ भाई, इसमें कितना समय है? अधिकारी का कहना है कि जमीन कम है, बेचा आपने ज्यादा है। भाई सरासर गलत कहना है, जितनी हमने जमीन अपने हक के हिसाब से ही अपनी जमीन बेची है, पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, वो करेक्शन हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस बात यह है कि हम लोग एसडीएम साहब का कहना है कि 3 डिसमिल जमीन में हम 4 लोग हिस्सेदार है, ये बात सरासर गलत है। हम 60 डिसमिल जमीन में हम 4 लोग हिस्सेदार है और मेरे पापा का हिस्सा 2.25 डिसमिल बनता है और एसडीएम साहब का कहना है कि मेरे पापा का हिस्सा 0.75 बनता है। ये सरासर उनका गलत बयान है, उनसे कहिए कागजी ला के दिखाएं। एक मामला और संज्ञान में आया है कि जब जमीन बेची गई है तो उस पर इनका कोई ऑब्जेक्शन है, आखिर ये क्या चक्कर है कि आपने जमीन ही बेचा है और जमीन पर ऑब्जेक्शन भी लगा रखा है आप लोगों ने? बात ये है सर कि हमने जो जमीन बेची थी वो 6 लाख का उसने जो चेक दिया था उसके भी अभी वो भी कब्जा नहीं ले पाया, वो चेक बाउंस हो गया है। चेक बाउंस का कोई आपने मुकदमा लगाया है? हाँ जी, कैंसिलेशन का भी मुकदमा लगा रखा है और आपत्ति भी डाली है, चेक का भी लगा रखा है। तो इस तरह से आपका कहना है कि चेक बाउंस का 138 एनआई एक्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, इसमें क्या हुआ अभी तक? दो बार सम्मन भी जा चुका है। सम्मन गया, पार्टी हाजिर अभी नहीं हुई है नहीं। और जो आपने आपत्ति दाखिल किया और कैंसिलेशन दाखिल किया है उसमें क्या हो रहा है? वो तो सर वकील को ही पता होगा, हमें तो नहीं पता। ये पार्टी को पता नहीं है लेकिन इनका मुकदमा दाखिला है और ग्राउंड ये है कि इनका चेक बाउंस हो गया, इनको पैसा नहीं मिला, इनके साथ निश्चित धोखाबाजी किया गया है। और इस संदर्भ में अधिकारियों के विचार और बयान अलग अलग आ रहे हैं, पार्टी का कहना कुछ और है, सच क्या है इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए उच्च स्तरीय, तभी पता चलेगा। अच्छा एक चीज और बताएं, ये धरना आप यहाँ से कर रहे हैं, क्या आपने प्रयागराज के प्रशासन से कोई मदद ली है, उनसे परमिशन लिया धरने के लिए? उनको हम लिख के देख के दिए हैं, डीएम सर को यहाँ के हम लिख के दिए थे कि हम यहाँ धरना देने जा रहे हैं और ऐसी ऐसी बात है, उनको सब। तो ये पार्टी ये कह रही है कि डीएम को जो धरना की सूचना दिया है, लेकिन इस संदर्भ में कल जब हमारी बात एसओ सिविल लाइन से हुई तो उनका ये कहना था कि उनको पता नहीं है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि 40 दिन से आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, प्रशासन के नाक के नीचे यहाँ से महज 500 मीटर दूर पर बैठे हुए एसओ सिविल लाइन को और प्रशासन को सूचना नहीं है, जबकि इतना इम्पोर्टेंट बिंदु है ये और हाई कोर्ट के सामने धरना हो रहा है। वो लोग क्या कहना चाहते हैं? ये समस्या आ रही है, देखिए ये खुद इनके विचारों से लग रहा है कि बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, 20,000 का मामला है, इनका ये कहना है कि अधिकारियों को डर नहीं लग रहा है,
अधिकारी भ्रष्टाचार करने से नहीं डरते हैं और कहीं ना कहीं इनका विश्वास उठ चुका है। इसलिए आखिरी शब्द यह आ रहा है कि ईश्वर देखेगा, जो गलत करेगा उसे ईश्वर देखेगा। अधिकारियों को भी देखना चाहिए और यहाँ के हाईकोर्ट को देखना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने बहुत सारे सोमोटो लिए फैसले किए हैं और शायद इन गरीबों की आवाज़ भी माननीय न्यायमूर्तिगण सुन सकें तो कुछ अच्छा होगा, इन गरीबों को न्याय मिलेगा। मैं